अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो सातवीं जमात के लिए है। आपकी किताब के सफा नंबर 57 पर सबक नंबर 9 है, सालिम अली के उनवान से। आज हम सबसे पहले उसका खुलासा आपको बताएंगे। यहाँ उस खुलासे के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिन्हें हम इशारे भी कह सकते हैं। डॉक्टर सालिम अली, इनका असल नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था, ये एक नामवर यानी जाने पहचाने शोहरत याफ्ता माहिर तयूर थे। तयूर टायर की जमा है और टायर कहते हैं परिंदे को। माहिर तयूर को इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी परिंदों की दुनिया में गुजार दी। वो परिंदों के बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए और उन्होंने जिंदगी भर परिंदों के बारे में मालूमात इकट्ठी की। मुंबई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, उससे वाबस्तगी हो गई। लंबे अरसे तक परिंदों का मुशाहिदा और मुताला किया और बहुत सारी मालूमात, ऐसी ऐसी मालूमात जमा की और अपनी किताब के जरिए से लोगों तक पहुंचाई, जो अब तक लोगों के पास मुहैया नहीं थी। किताब की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो रंगीन तस्वीर के साथ छपी थी और उनका अपना ज़ाती मुशाहिदा था। कई कई रोज़ उन्होंने परिंदों के साथ जंगल में गुजारे। जैसे कि उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बयाज एक परिंदा होता है, इसे वीवर बर्ड कहा जाता है, उसका कई कई दिन तक उन्होंने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया उसकी ज़िंदगी को कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, कैसे अपना घोंसला बनाता है वगैरह वगैरह। इसी तरह हिंदुस्तानी परिंदों के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसील इकट्ठी की और 1941 में एक किताब छपी उनकी, जिसका नाम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स जो उनकी किताब थी, इससे पूरी दुनिया में उनकी शोहरत फैल गई। आसानी से किसी परिंदे को पहचानना और उसके साथ उसकी दूसरी मालूमात उस किताब में दर्ज थी। सालिम अली ने दूसरे बहुत से ममालिक के सफर भी किए, उन्हें बहुत बड़े एजाजात दिए गए और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। हमारी हुकूमत ने भी उनको 1958 में पद्म भूषण और फिर 1976 में पद्म भूषण का एजाज, जो एक बहुत बड़ा कौमी एजाज होता है, सबसे बड़ा कौमी एजाज, वो दिया। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हो गया और परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया। उनका ये सबक पढ़कर हमें ये मालूम होता है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और पूरी जस्तजू हो और मेहनत भी करे वो साथ में, तो वो कोई भी काम आसानी के साथ कर सकता है, जैसे कि सालिम अली ने हमारे सामने करके दिखा दिया। ये एक बहुत मुश्किल काम था परिंदों के बारे में इतनी सारी मालूमात इकट्ठी करना, लेकिन उनकी कोशिश, लगन और मेहनत जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, इस मकाम तक उन्हें पहुँचाया, और वो एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए, बहुत सारी इनामात दिए गए, बहुत इज्जत हुई, बहुत शोहरत मिली। तो इंसान को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ में अपने काम को करे ताकि वो कामयाब हो सके। तो ये था सालिम अली का खुलासा। खुलासे के बाद सफ़ा नंबर 57 पर पहला पैराग्राफ है, यहीं से सबक शुरू होता है। आसमान की तरफ उड़ते हुए और सबसे नीचे देखिए आप, सबसे नीचे वाली लाइन में चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। यहाँ तक ये हमारा दो पैराग्राफ का, हमने एक पैराग्राफ बनाकर आपके सामने रखा है, जिसमें से आपको 4 सवाल करने हैं। ऊपर सबक का नाम लिख दीजिए, सबक नंबर 9 और सालिम अली। सवाल नंबर 1 लिखेंगे आप, सालिम अली का असल नाम क्या था।
पहले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इसका जवाब लिखने के बाद दो लाइनें छोड़िए और सवाल नंबर दो लिखिए, परिंदों के आलिम यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, ये भी आपको पहले पैराग्राफ में से मिल जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर तीन है, सालिम अली के चचा उन्हें लेकर कहाँ गए। जब सालिम अली के चचा ने परिंदों से उनकी दिलचस्पी देखी तो उन्हें कहाँ लेकर गए, वो कौन सी जगह थी जहाँ सालिम अली के चचा सालिम अली को लेकर गए। इस सवाल का जवाब लिखिए और दो लाइनें छोड़ के सवाल नंबर चार लिख दिए, सालिम अली ने ख्वाब में भी क्या नहीं सोचा था। वहां जाकर सालिम अली ने ऐसा क्या देखा जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, ये आपको दूसरे पैराग्राफ में से मिल जाएगा, वहां से इसका जवाब लिख लीजिए। इसके बाद सफा नंबर 58 पर दूसरा पैराग्राफ हमारा शुरू होता है, 58 और 59 पर है ये। इसके बाद सालिम अली सबसे ऊपर आप देखेंगे सफा नंबर 58 पर, यहीं से शुरू है ये, और सफा नंबर 59 पर ये मुलाजमत छूट गई, बाद में ये मुलाजमत छूट गई यहाँ तक। इसमें से दो सवाल हैं, सवाल नंबर 5 ये लिखेंगे आप, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने क्या सीखा। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो थी वहाँ जाकर सालिम अली ने क्या चीज़ सीखी, क्या सीखा, ये आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, सालिम अली के बड़े भाई बर्मा में क्या करते थे। बर्मा में सालिम अली के बड़े भाई क्या काम करते थे, आपको इसका जवाब लिखना है इसी पैराग्राफ में से। इसके बाद हमारा तीसरा पैराग्राफ सफा नंबर 59 से ही शुरू होगा। हमारा तीसरा पैराग्राफ भी सफा नंबर 59 पर है जो यहाँ से शुरू होता है, सालिम अली लंबे अरसे तक, और ये पैराग्राफ आखिर में है, जरूरी मालूमात हासिल कर सकता है। इस पैराग्राफ से सवाल नंबर 7 देखिए आप, सालिम अली किस चीज पर भरोसा नहीं करते थे, इसका जवाब देखिए आप पैराग्राफ में से पढ़ के। इसके बाद सवाल नंबर 8, 3-4 महीने तक सुबह से शाम तक सालिम अली किस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे, वो कौन सी चिड़िया थी जिसके लिए सालिम अली इतनी मेहनत करते रहे 3-4 महीने तक, सुबह से शाम तक वो उस चिड़िया की आदतों का और तौर तरीकों का मुशाहिदा करते रहे, रहन सहन उसका किस तरह का है ये देखते रहे। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तानी परिंदों के बारे में सालिम अली की किताब का नाम क्या था। हिंदुस्तानी परिंदों के बारे में सालिम अली ने जो किताब लिखी थी उसका नाम आपको लिखना है, क्या नाम था उस किताब का। सवाल नंबर 10, जो किताब सालिम अली ने लिखी थी उस किताब की खूबियाँ क्या क्या थी, क्या क्या खूबियाँ थी उस किताब में जो सालिम अली ने लिखी थी परिंदों के बारे में। इसके बाद 14 पैराग्राफ की सवाल नंबर 59 पर ये शुरू होता है, सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहिदे और सबसे आखिर में सबक के आखिर में सच्चा दोस्त खो दिया है। इसमें सवाल नंबर 11, सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए, इसका जवाब लिख रहे हैं आपको। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, हमारी हुकूमत ने सालिम अली को कौन कौन से कौमी एजाजात दिए, वो कौन कौन से कौमी एजाजात थे जो सालिम अली को जिनसे नवाजा गया, हमारी हुकूमत ने सालिम अली को दिए उनकी खिदमत को का एतराफ करते हुए। सवाल जवाब के बाद ग्रामर का बहुत मुख्तसर सा काम है, सबसे पहले खाली जगहों को सही अल्फाज से भरना है आपको यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 10 जुमले दिए हुए हैं, इन 10 जुमलों में बीच बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है और खाली जगह में आप मुनासिब अल्फाज सबक में से देखकर भी भर सकते हैं या अपनी याददाश्त से उन अल्फाज को भरिए। दूसरा काम है, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, बहुत आसान अल्फाज हैं, इनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पर आपके सामने 7 अल्फाज हैं, अक्सर लफ्ज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हैं, अपने जुमले बनाने हैं, वक्त में से नहीं बल्कि अपने खुद के जुमले होने चाहिए और कोशिश कीजिए थोड़े मेयारी किसी के जुमले बनाइए, ये आपका ग्रामर का काम हो गया। इस तरह से आपके सबक नंबर 9 सालिम अली मुकम्मल होता है। अपनी कॉपी में काम मुकम्मल कीजिए और चेक करने के लिए, चेक कराने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया।